और दिखा देता हूं मैं कांग्रेस का विकास, 25 सालों में जो विकास किया है वो एक बार देखिएगा आम जनता और आम बच्चे भी हंसेंगे। इतना नाला बड़ा बनाया गया है, इतना खर्च इस पे किया गया है, इतने बड़े बड़े बजट इसके आते हैं, और पानी की व्यवस्था देखिए, नाले से पानी निकाल कर यहाँ पे प्लॉट में पानी निकाला जाता है। 25 साल में ये विकास कांग्रेस कर पाई है यहाँ पे राज करके, ये विकास है कि यहाँ पे इनकी जो आम जनता रहती है उनके स्वास्थ्य का कोई लेना देना उनको नहीं है। उनका स्वास्थ्य बिगड़े तो बिगड़े, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि यहाँ से पानी, कौन सी साइंस यहाँ पे, कौन सी इंजीनियरिंग नगर पालिका द्वारा लगाई गई है कि नाले का पानी यहाँ पे निकाला जाए। आम तौर पे देखा जाता है कि वहाँ का पानी नाले में डाला जाए, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, नाले का पानी निकाल कर प्लाट में डाला जा रहा है। ये तो विकास है कांग्रेस का। तो जो भाई लगातार कमेंट करते हैं उनको दिखा रहा हूँ, आंखें खोल कर आप देख लीजिएगा ये विकास। एक विकास मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखो नगर पालिका टेंडर ऐसे लोगों को देती है कि भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा नहीं है। ये नाला बंटावा भी बनाया गया है, नया नाला बनाया गया है, नई रोड बनाई गई है, देखिए भ्रष्टाचार देखिए। नाला है वो रोड से 1 फीट ऊंचाई पर, 6 से 1 इंच ये ऊंचाई पर बना दिया गया है। पानी नाले के अंदर कैसे जाएगा ये तो ना नगर पालिका के पास जवाब है, ना ये नाला जिसने बनाया उनके पास। टेंडर ऐसे लोगों को दिया जाता है कि भ्रष्टाचार का पैसा पूरा मिलना चाहिए, ऐसे लोग पूरे मिले होंगे। क्या नगर पालिका ने ये नाला बना तो देखिए ये पानी अंदर कैसे जाएगा, कोई मुझे बता सकता है तो कार्य का विकास के दावे करता है कि कैसे पानी अंदर जाएगा। एक नाला आपने उल्टा बना दिया, उसके बाद में ये डेटा हुआ विकास भी आपको दिखाना चाहिए। बंडावा का डेटा हुआ विकास आप देख सकते हो, ये बंडावा का डेटा हुआ विकास महिलाओं और पानी के लिए लेटा हुआ, उसको बोलते हैं लेटा हुआ विकास। ये कांग्रेस का लेटा हुआ विकास है, ये भी सो गया है विकास, और अब ये कब उठेगा पता नहीं। और मैं लगातार इस पे 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ना तो कांग्रेस आग रही है ना उनका विकास। यहाँ पे किसी गरीब की दुकान थी लेकिन वो बंद है क्योंकि यहाँ पे पानी कतरा हो गया है, उनको क्या लेना देना, उनको भ्रष्टाचार का पैसा पूरा मिल रहा है लेकिन उनको लेना देना क्या इससे। किसी गरीब की लगवा आप बोर्ड एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। शुभारम्भ मुख्य अतिथि माननीय सुश्री रीता जी चौधरी ने किया है, बिसाव चौराहे की ये तस्वीर है। और जो मैं शौचालय की आवाज़ उठाता हूँ तो आपको आज ऐसा शौचालय दिखाऊंगा आपको हंसी आ जाएगी। ये कांग्रेस ने 25 साल में जो शौचालय बनाए हैं ना वो हैं, 25 साल में ऐसे शौचालय बनाते हैं कि एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इसके पीछे की तस्वीर दिखाई, क्योंकि ये रीता जी चौधरी की जो नाम पट्टी का ये है और इसके पीछे है टॉयलेट। तो ये वो विकास है जो 25 साल में कांग्रेस कर पाई है। टॉयलेट की जो व्यवस्था है ये है वो टॉयलेट जो जगह जगह बनाए जा रहे थे, तो आप देख सकते हो ऐसे टॉयलेट है वो जगह जगह बनाए जा रहे हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। इसमें महिला कैसे टॉयलेट जाती है बिल्कुल नहीं पता। ये टॉयलेट है वो नगर पालिका द्वारा बनाया गया है, आप देख सकते हो। क्योंकि आमजन मैं तो ये देखता हूँ आमजन इसी के पीछे टॉयलेट करते हैं और महिलाएं भी इसी के पीछे। तो ऐसे टॉयलेट है वो कांग्रेस बना रही है अपने राज्य में, और यही विकास है।